गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रूटीन जिसमें हम क्लासिफिकेशन तक आ गए थे। क्लासिफिकेशन में हमने सिंपल प्रोटीन के बारे में देखा था, उसमें हमने ग्लोबुलर प्रोटीन यानी गोलाकार प्रोटीन और उसके टाइप्स देखे थे। अब जो हम दूसरा देखेंगे वो है फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन आकार में कैसे होते हैं? रेशे के समान, ना फाइबर के समान, और पानी में अघुलनशील। कभी भी देखा होगा फाइबर पानी में नहीं घुलता। जैसे फाइबर का एग्जांपल आप समझना चाहें, जैसे नींबू हम लेते हैं, है ना, तो नींबू में जो रस होता है वो तो हो गया घुलनशील, है ना, जल में घुल जाता है। लेकिन उसमें जो फाइबर लगे होते हैं, जो रेशे लगे होते हैं, क्या वो पानी में घुल जाते हैं? नहीं घुलते, है ना, वो उसी में घूमते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन में घुलनशील कौन सा है और अघुलनशील कौन सा है। ठीक है, हालांकि वो तो विटामिन है ना, विटामिन सी होता है नींबू में, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि आप रेशेदार को और नॉर्मल को आप सब अलग अलग समझ सको, है ना। तो इस तरह से जो होते हैं वो रेशेदार होते हैं। तो रेशेदार प्रोटीन कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं और इन्हें पचाया नहीं जा सकता। लेकिन फाइबर जो होता है, नॉर्मली हम बात करें तो जो फाइबर होता है वो किसके काम आता है? सबसे ज़्यादा डाइजेशन में। कहते हैं ना, रेशेदार फल खाना चाहिए, जितना फाइबर हम खाएंगे उतना हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो वो पचाने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको देखेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है कोलेजन। ठीक है, किसका है? ये फाइब्रस प्रोटीन का या फिर रेशेदार प्रोटीन का जो एग्ज़ाम्पल हैं कोलेजन, इलास्टिन और कैरेटिन है। तो जो कोलेजन होते हैं वो क्या है? ये संयोजी ऊतक प्रोटीन लेकिन ट्रिप्टोफैन नहीं होते हैं। पानी या तनु अम्ल के साथ उबालने पर जिलेटिन निकलता है जो घुलनशील और सुपाच्य होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स बट डू नॉट हैव ट्रिप्टोफैन ऑन बॉइलिंग विद वाटर और डाइल्यूट एसिड्स यील्ड जिलेटिन विच इज सॉल्युबल एंड डाइजेस्टिबल। ठीक है, दूसरा है इलास्टिन। ये क्या होता है? प्रोटीन ऑफ इलास्टिन टिश्यूज सच एज टेंडन्स एंड आर्टरीज। लोचदार ऊतक जैसे टेंडन और धमनियों का प्रोटीन होता है कौन सा? इलास्टिन प्रोटीन। कहाँ पाया जाता है? ये टिश्यूज़ में और टेंडन्स में और प्रोटीन की और धमनियों में, है ना, आर्टरीज में पाया जाता है। इसके बाद है कैरेटिन, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर लाइक हेयर, नेल्स और हॉर्न्स यानी सींग। एक्सोस्केलेटन में बाहरी जो हमारे स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन हो, उसकी संरचना कौन कौन सी? जैसे कि बाल, नाखून और सींग में कैरेटिन पाया जाता है। ठीक है, तो कोलेजन कहाँ मिलता है और इलास्टिन कहाँ मिलता है और कैरेटिन कहाँ मिलता है, सभी की पोजीशन यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। ये प्रोटीन एमिनो एसिड और गैर प्रोटीन की मात्रा यानी प्रोस्थेटिक या कॉन्जुगेटेड ग्रुप से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड और गैर प्रोटीन की मात्रा, मतलब जिसमें वह प्रोटीन जिनमें एमिनो एसिड से मिलकर जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन जिसमें और भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनके जुड़ने से क्या बनते हैं? संयुग्मित प्रोटीन बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंजुगेटेड का मतलब भी हो जाता है जहाँ दो तरह की चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, अब इसका प्रोटीन हम देखें फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स। तो जो कंजुगेटेड का प्रोटीन्स हैं वो है न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन और मेटलो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है इसमें, और इसका एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियो हिस्टोन और न्यूक्लियो प्रोटामिन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स के एग्जांपल कौन से हैं? न्यूक्लियो हिस्टोन और न्यूक्लियो प्रोटामिन्स। दूसरा है ग्लाइको प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट का सांद्रण 4% से अधिक प्रोटीन है तो वह प्रोटीन को म्यूकोप्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसका एग्जांपल है म्यूसिन, लार में पाई जाती है जो कि, और ओवा म्यूकोइड जो कि अंडे का सफ़ेद भाग होता है। इसके बाद है
लाइपोप्रोटीन ये क्या होते हैं? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? केसीन में, जो कि दूध में पाया जाता है, और विटेलिन यानी अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। इसके बाद है क्रोमोप्रोटीन, ये क्या होते हैं? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कलर्ड मटेरियल होते हैं, है ना, कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। इसके बाद है मेटलोप्रोटीन, ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन में धातु आयन होते हैं, जो कि मेटल्स, जैसे कि मेटल आयन्स, जैसे एग्जांपल है FeCO(ZnCuMg), मैग्नीशियम वगैरह। अब इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं? सेरुलो प्लाज्मिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये इसके एग्जांपल हैं। किसके? मेटलोप्रोटीन, मतलब जिसमें मेटल पाया जाए वो मेटलोप्रोटीन हो जाएगा, और जिसमें क्रोमोप्रोटीन कलर पाया जाए वो क्रोमोप्रोटीन हो जाएगा, जिसमें फास्फोरस के ग्रुप होंगे, फास्फोरिक एसिड होगा, वो फास्फोप्रोटीन होगा, जिसमें लाइपोप्रोटीन होगा, लाइपो मिला होगा, लिपिड्स वाला जो ग्रुप हो वो होगा, वो लाइपोप्रोटीन हो जाएंगे, जिसमें ग्लाइकोजन होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे, जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, जैसे कि DNA या RNA, वो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप था इसका, सिंपल के बाद, वो था डेरिव्ड प्रोटीन, है ना। हमने तीन पढ़े थे, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेरिव्ड, इसमें से दो कंप्लीट हुए। अब जो दूसरा है इसका, वो है डेरिव्ड। इसमें दो प्रकार के थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये जो डेरिव्ड होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन सरल और संयुग्मित प्रोटीन से उनके विकृतिकरण या क्षरण से प्राप्त होते हैं। मतलब जब वो टूटते हैं, जो संयुग्मित प्रोटीन से जब आप टूटते हैं, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन जब टूटने से लगते हैं, तब क्या बनते हैं? तब ये डेरिव्ड प्रोटीन बनते हैं। अब ये दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? प्राइमरी डेरिव्ड में कौन से आएंगे? ये प्रोटीन के विकृतिकृत या जमाव का या पहले जल अपघटित उत्पाद होते हैं। मतलब जब क्या होगा इसमें, हाइड्रोलाइज होंगे जब ये, है ना, तब इस तरह के प्राइमरी डेरिव्ड प्रोटीन बनेंगे। अब इसका भी जो प्रोटीन है, इसके भी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कागुलेटेड यानी स्कंदित। अब ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी है? ऊष्मा, अम्ल, क्षार आदि जैसे कारकों के साथ शोधन करके उत्पादित विकृत प्रोटीन। डी नेचुरेटेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेंटिंग विद एजेंट्स लाइक हीट, एसिड्स, एल्कलाइज एक्सेट्रा। इसका जो एग्जांपल है वो है पका हुआ प्रोटीन और जमा हुआ एल्ब्यूमिन, जो कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा होता है। इसके बाद है प्रोटीन, ये एंजाइम तनु अम्ल क्षार द्वारा प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का पहला चरण उत्पाद, जो जल में अघुलनशील होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइब्रिन का निर्माण फाइब्रिनोजेन से होता है। तीसरा है मेटा प्रोटीन, ये थोड़ा प्रबल अम्ल और क्षार के साथ उपचार द्वारा प्राप्त प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के दूसरे चरण के उत्पाद होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन से हैं? एसिड और एल्केली मेटा प्रोटीन्स होते हैं। इसी का दूसरा प्रकार है सेकेंडरी डेरिव्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन के अवक्रमिक उत्पादों या पेप्टाइड बॉन्ड के टूटने के कारण बनते हैं। पहले तो क्या थे? प्राइमरी और कंजुगेटेड, है ना, सिंपल और कंजुगेटेड के टूटने से बनते हैं। और दूसरे प्रकार के कैसे बन रहे हैं? ये उनके जो बॉन्ड हैं जिसके द्वारा ये जुड़े हैं, उनके टूटने से सेकेंडरी डेरिव्ड प्रोटीन बनते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोटीओजेस, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड्स। तो ये हैं इनके तीन प्रकार। इसके बाद है इसका संगठन के स्तर। संगठन के इसके तीन स्तर हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, सॉरी तीन नहीं चार हैं इसके, है ना, संगठन के जो इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वार्टरनरी।
यानी चतुर्थ संरचना। इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, जिसको आप नोट कर लेना। इसकी जो मेन चीज़ है वो बता देती हूँ आपको, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे हुआ है। अधिकांश प्रोटीन एक अद्वितीय त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स फोल्ड अप टू फॉर्म ऑफ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द शेप इनटू विच ऑफ प्रोटीन नेचुरली फोल्ड्स इज इट्स नेटिव कन्फॉर्मेशन। यह इसकी मूल रचना है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी मूल संरचना होती है, मतलब मोस्ट जो होती है, मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। अधिकांश प्रोटीन अपने एमिनो एसिड के रासायनिक गुणों के अनुसार स्वतंत्र रूप से मुड़ते हैं, यानी फोल्ड होते हैं, जबकि दूसरे प्रोटीन अपने मूल स्थानों या अवस्थाओं में आणविक चेपरॉन्स के मदद से मुड़ते हैं। अब इन्हीं की संरचना के आधार पर इनको चार संरचनाओं में डिवाइड किया गया है, या चार संरचनाओं के द्वारा प्रोटीन को समझाया गया है, जिसमें प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना दी हुई है। इसके बाद आ जाता है इसका जैविक महत्व। इसके जैविक महत्व में अभी ये यहाँ पर इतना ही, इसके आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।